में फंसे हुए हैं। दरअसल शनिवार को चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश हुई, इसी वजह से प्रशासन ने राणा प्रताप सागर बांध के 17 गेट खोल दिए। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। रावतभाटा और भैंसरोडगढ़ को जोड़ने वाली पुलिया पर पानी भरा, इससे स्कूल के बच्चे स्कूल में ही फंसे हुए हैं। बच्चों और टीचर्स को फंसे हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब तक उन्हें वहां से छुड़ाया नहीं जा सका है, बाहर नहीं निकाला जा सका है। राणा प्रताप सागर बांध जिसके गेट खोलने पड़े थे, मूसलाधार बारिश यहां पर हुई थी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा का हम बता रहे हैं आपको ये खबर, जहां पर सैलाब के बीच 300 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं, 50 उनके साथ ही साथ शिक्षक भी फंसे हुए हैं। उन्हीं की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक ये तमाम बच्चे और टीचर्स यहां स्कूल में ही फंसे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर डैम से जब पानी छोड़ा गया था, क्योंकि मूसलाधार बारिश वहां पर हुई है, उसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। अलर्ट जरूर यहां पर जारी किया गया था पहले, लेकिन उसके बावजूद भी जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आए। बच्चे यहां पर जब स्कूल ही में मौजूद थे, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, और वहीं फंसे रह गए हैं। और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उसके चलते रेस्क्यू में भी काफी परेशानियां आ रही हैं, और किस तरह की स्थिति यहां बनी हुई है उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर रावतभाटा की बात की जाए तो यहाँ पे चामला पुलिया के ऊपर पानी जो है काफी तेज बहाव में, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिया है ये चित्तौड़गढ़ वाला पूरा रास्ता है, जहाँ पर पानी की आवक इतनी ज्यादा है कि करीब 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और इसी के चलते इसके दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगें दिख रही है, वहां पे एक स्कूल है जिसमें 250 करीब जो बच्चे हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें जो है आज ही यहां पर रेस्क्यू करने वाली थी, लेकिन अभी तक रेस्क्यू की टीमें यहां नहीं पहुंची है। प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहां पर नहीं है, लोग यहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी जो है वो यहां पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। योगेश माटा हमारे साथ मौजूद है, और योगेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या है यहां पर, किस तरह से बनी, और स्कूल में बच्चे कितने हैं, और आज के रेस्क्यू की क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन नितिन, काफी जो रेस्क्यू है वो शुरू करने के लिए प्रशासन ने भले मुहिम आज शुरू करने की बात कही थी, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि लगता नहीं है कि पानी को देखते हुए कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी संख्या 200 से 300 करीब में बताई जा रही है, और जो ये चामला का जो पुलिया है इस पर करीबन 2 से 3 फीट ऊपर जो पानी है वो चल रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल विकराल है, क्योंकि जो पानी है वो लगातार यहां से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पानी जो है काफी तेज गति से, काफी तेज वेग है पानी का, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी यहां पर दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीमों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि पानी का वेग जब कम हो, स्पीड जब कम हो, उस समय रेस्क्यू चलाया जाए, क्योंकि 250 से 300 बच्चे हैं और उनको एक तरफ से दूसरी तरफ लाने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के अब इंतजार है रेस्क्यू ऑपरेशन का, कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और बच्चों को निकाला जाए। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, रावतभाटा। तो ये तो तस्वीरें आपने यहां पर देखी कि किस तरह से स्थिति यहां पर बनी हुई है। हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, जो रिपोर्ट हमने अभी इससे पहले देखी है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कितना परेशानी भरा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, फिलहाल अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पानी का जो वेग है, जो पानी लगातार बांध से छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से जो चामला पुलिया है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है, वहां पर करीबन 6 से 8 फीट का जो पानी है वो लगातार बह रहा है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीम यहां पर तैनात है उसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो अभी परेशानियां यहां पर और रहने वाली है। 300 बच्चे वहां पर मौजूद हैं, 50 शिक्षक हैं, उनके पास जब 48 घंटों से वो फंसे हुए हैं, खाने पीने को लेकर फिर तमाम सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा रही हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, 3 दिन हो चुके हैं बच्चों को यहाँ पर स्कूल के अंदर, यहाँ पर बच्चे हैं तो परेशानी है बच्चों को, बिल्कुल उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शौचालय की वहां समस्या देखी जा रही है, खाने की और समस्या देखी जा रही है। तो लेकिन जो आसपास के जो गांव हैं वहां से जो ग्रामीण है वहां से खाने के जो पैकेट है वो बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी जो प्रशासन है वो पूरी पर अपनी नजर रखे हुए और आसपास के गांव से जो सामग्री है वो बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत यहां पर करेंगे।
ये तो फिलहाल स्थिति ये है। हम आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी नहीं हो पाया है, मौसम विभाग ने आगे और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। एसडीआरएफ की क्या कुछ तैयारी से लेकर उनसे हमारे सहयोगी नितिन ने बातचीत की है, आप देखिए। चामला पुलिया के ऊपर पानी का बहाव तेज होने की वजह से दूसरी तरफ एक स्कूल में 250 से करीब 300 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम जो है एसडीआरएफ की वो यहां पर पहुंची हुई है। इस समय हमारे साथ रेस्क्यू टीम के मेंबर्स मौजूद है, सदस्य मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का ऑपरेशन आज यहाँ पर चलाया जाएगा। साहब कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं रेस्क्यू के लिए और किस तरह के ऑपरेशन की तैयारी है, क्या कुछ प्लानिंग पूरी की गई है? हमारे 18 जवान यहाँ एसडीआरएफ के पहुंचे हुए हैं और हम अब उसकी सिचुएशन देख के अभी रेस्क्यू जारी करेंगे। उधर 300 बच्चे, 350 बच्चे बता रहे हैं, उनको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हम रात को 5:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे लेकिन अंधेरा होने और बरसात होने के कारण रेस्क्यू नहीं कर पाए। अभी हमारी पूर्ण तैयारी के हिसाब से ओबीएम बोट लैबो जैकेट अपने जवानों के पूरे तैराकी के सहयोग से हम अभी रेस्क्यू करेंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे। कब तक उम्मीद की जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? अभी हमारे अधिकारी आते ही एसडीएम कलेक्टर हम तुरंत रेस्क्यू चालू हुए, तो हमारी टीम तैयार है, टीम हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें आदेश अधिकारी का मिलते ही अधिकारी नदी पे पहुंचते ही हम रेस्क्यू चालू कर देंगे। बिल्कुल साफ तौर पे एसडीआरएफ के जो जो सदस्य हैं मौजूद है यहाँ पर, उनका साफ तौर पे कहना तैयारी पूरी है, एक बार सिचुएशन वहाँ मौके की देखी जाएगी और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। इंतजार है तो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का कि एक बार आकर मौके पर वो निर्देश दे कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर अपने पूरे संसाधनों के साथ मौजूद है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एक भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, परिजन उनके परेशान हैं, बच्चे अपने घर पे नहीं जा पा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात है, तैयार है रेस्क्यू के लिए, लेकिन अधिकारी जो है प्रशासनिक वो मौके पर क्यों नहीं पहुंचे हैं? सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, राउतबाटा। तो देखिए आप, जो टीम्स हैं रेस्क्यू के लिए वो तो लगातार तैयार हैं। दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं रावतभाटा की, किस तरह से एक पुलिया है उस पर पानी इतना ज्यादा आ चुका है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जो सामने आप ठीक देख पा रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर बच्चे और शिक्षक फंसे हुए हैं। टीम्स तैयार भले ही है लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा सके क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। अभी बच्चों की जान जोखिम में डालने का प्रयास बिल्कुल यहां पर नहीं किया जाएगा। जिस तरह से टीम के सदस्य यहां पर आप सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि जब तक अधिकारियों की ओर से निर्देश यहां पर नहीं आ जाते हैं, उस ऑपरेशन को, रेस्क्यू को शुरू नहीं किया जा सकता है। कम से कम अभी जो जानकारी निकलकर हमें मिली है, हमारे सहयोगी ने हमें बताया है कि टीम्स मौके पर हैं, इंतजार किया जा रहा है कि पानी का वेग थोड़ा सा कम हो, ये बहाव थोड़ा कम हो ताकि जो रेस्क्यू है वो शुरू किया जा सके। अब आप देखिए 48 घंटे हो चुके हैं, 300 के करीब वहां पर बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं, उनके साथ उनके शिक्षक भी हैं। तस्वीरों में हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पर, जिनके जो अभिभावक हैं उनकी परेशानी आप समझिए। जब इतने सारे बच्चे स्कूल में फंसे हुए हैं, कम से कम उनके शिक्षक उनके साथ मौजूद हैं जो उनको थोड़ा ढांढस जरूर यहां पर बना रहे होंगे कि जल्द से जल्द वो अपने घरों को वापस लौट जाएंगे, लेकिन काफी परेशानी की स्थिति जरूर है ये। यहां पर तस्वीरें जो आप इन बच्चों की देख पा रहे हैं, ये वही हैं जो स्कूल में अभी भी फंसे हुए हैं। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश, इमरान, जंग का अंत सरेंडर है।